करता हूं आप सभी का आप ही के चैनल बीसीआईसी गुरुजी में। आज हम लेकर आए हैं आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योग का सॉल्ट टीएमए, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अप्रैल 2025 में या फिर अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को मैं जैसे कि बता चुका हूँ पहले भी कि इस टीएमए में हमारे पास टोटल जो है 6 क्वेश्चन होते हैं, जिन 6 क्वेश्चन में से हमको हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट बी पार्ट, उसमें से कोई एक करना होता है। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 2 मार्क्स का रहता है और 40 to 60 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4th, तो क्वेश्चन नंबर 4th हमारा जो है यहाँ पर रहता है 4 मार्क्स का, जिसको हमको 100 से 150 शब्दों में लिखता होता है। और सेम क्वेश्चन नंबर 5th भी रहता है 4 मार्क्स का, जिसे हमें 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6th होता है वो हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये जो है लगभग 500 शब्दों में या जो भी इसका प्रोजेक्ट वाइज दिया होता है उसको हमें सॉल्व आउट करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों को ये जो हम लोग आपके लिए सॉल्व टीएमए लेकर आए हैं, आपको क्या करना है कि ये वीडियो देखना है, वीडियो देखते देखते ही पॉज करना है। पॉज करके आप सारे आंसर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर वो स्टूडेंट जिन लोगों को सॉल्व टीएमए चाहिए पीडीएफ फाइल हैंड रिटन फॉर्म में, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से या हमारा जो चैनल है बीसीआईसी गुरुजी उसी की वेबसाइट है bcicguruji.com, वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप भी जो है अपना आंसर यहाँ से ले सकते हो। ये फिजिकल एजुकेशन एंड योग है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। ये लगभग आपका यहाँ तक रहेगा आंसर नंबर 1। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने यहाँ पर जो है ए पार्ट किया हुआ है और इसका आंसर आपका लगभग ये है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप देखो तो बी पार्ट करा है हमने, और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से करना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ तक रहेगा आंसर नंबर 3। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसलिए ये छोटे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में। क्वेश्चन नंबर 4th का भी हमने बी पार्ट करा हुआ है और अगर इसका आंसर देखें तो ये आंसर यहाँ से शुरू होता है और आप इसमें जो है पूरा रोक के इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास में, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा चैनल है बीसीआईसी गुरुजी, ये एक ऐसा चैनल है जो कि आपके सारे सॉल्व टीएमए आप तक लेकर आ रहा है। अगर आपको कोई भी टीएमए की ज़रूरत हो जो आपका सब्जेक्ट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ले सकते हो, वो सब्जेक्ट हम जरूर लेकर आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5th का। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5th है, फिर इसका ही आंसर दिया है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो ये पूरा चल रहा है। ये आप जो है पॉज करके इसको लिख सकते हो और ये रहेगा आपका लगभग यहाँ तक आंसर नंबर 5th। फिर हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 6, जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका, जैसे यहाँ पे दिखाया है ए पार्ट है। तो जो क्वेश्चन आप करोगे उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे नोट करना है ब्लैक पेन से और बाकी जो है आपको जो है ब्लू पेन से लिखना है। तो ये आंसर नंबर 6 यहाँ से शुरू हो जाता है। इसका आप जो है आसानी से जो है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है पॉज करके आप लिख लीजिए इसे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपको चाहिए हैं जिस भी सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए है तो हमारे जो है बीसीएससी गुरुजी चैनल में जो है कमेंट करिए। कमेंट करके हमको ये पता चलेगा कि आपको जो है किस सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए, वो टीएमए भी हम जरूर लेकर आएंगे। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।